हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैरियर व्हील स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दूध और पानी पर आधारित क्वेश्चन, वाटर मिल्क बेस्ड क्वेश्चन। तो दूध और पानी के जो मिश्रण के क्वेश्चन होते हैं उन्हें कैसे करेंगे, ये लैंग्वेज में काफ़ी टफ लगते हैं, लेकिन इन्हें भी आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास, एक बर्तन 60 लीटर दूध से भरा हुआ है, 12 लीटर दूध निकाल कर पानी डाल दिया गया और फिर 12 लीटर मिश्रण के स्थान पर पानी डाला गया और अंतिम मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास 60 लीटर दूध है, उसमें से हमने 12 लीटर दूध निकाल लिया, 12 लीटर दूध निकालने के बाद कितना बचा, उसमें 12 लीटर पानी कर दिया। तो अब जो दूध और पानी का जो मिश्रण बना है दोबारा, फिर उसमें से 12 लीटर निकाला, तो अब और फिर उसमें पानी कर दिया, तो लास्ट में दूध और पानी का मिश्रण कितना कितना बचा उस बर्तन में। तो कैसे निकालेंगे, जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला, एक मिल्क अपॉन में टोटल, ये टोटल है वाटर और मिल्क का। तो टोटल कितना है हमारे पास, टोटल है हमारे पास दूध कितना है, टोटल कितना है मिश्रण 60 लीटर है टोटल, उसमें से 12 लीटर निकाल लिया। फिर उसमें 12 लीटर निकालने के बाद मिल्क कितना बचा, 12 लीटर निकाला 60 से, तो 48 लीटर बचा मिल्क। कितनी बार निकाला था हमने, दो बार, पहले निकाला था फिर पानी किया, फिर निकाला फिर पानी किया, यानी कि दो बार। अगर दो बार निकाला है तो यहाँ पे दो ही घात चढ़ाएंगे, अगर तीन बार निकाला होता तो तीन घात चढ़ा देते, चार बार निकाला होता तो चार घात चढ़ा देते। तो अब इसे कैसे काटेंगे, 4 से 12 बार और ये 5 से 12 बार, कितना हो गया ये 4/5 पावर 2, 4 × 16 और ये 5×25। तो ये टोटल कितना है, टोटल है हमारा 25 और मिल्क कितना है 16। हमें निकालना क्या है, तो अंतिम मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करें। दूध कितना है हमारा अंतिम में, दूध हमारा 16 और पानी, ये 25 हमारा टोटल है, 25 टोटल है और दूध 16 है, तो 25 से 16 घटाएंगे तो पानी निकल आएगा, 25 से 16 घटाए तो कितने बचे 9, तो 16:9 यही आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही आसान ट्रिक से कर सकते हैं हम इसे, बहुत छोटी ट्रिक है, बहुत ही छोटी ट्रिक। ऐसे ही हमारे पास सेम दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये भी सेम है बिल्कुल, ये क्वेश्चन है हमारा, एक बर्तन 28 लीटर दूध से भरा है, 7 लीटर दूध के स्थान पर पानी डाल दिया गया, इस प्रक्रिया को दो बार और किया गया, यानी एक बार पहले कर लिया फिर दो बार और, यानी कितने बार हो गए, फिर 3 बार। तो अंतिम मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करें। इसमें दो बार का मतलब ये है कि एक बार तो पहले कर चुके हैं और दो बार और किया गया, तो 3 बार हो गए, 3 बार यही प्रक्रिया की है। तो कैसे करेंगे, ये वही हम पहले वो फॉर्मूला सा लिख लेंगे, बेसिक मिल्क अपॉन में टोटल, ये वाटर और मिल्क है टोटल, तो टोटल कितना है हमारे पास 28 लीटर है हमारे पास, उसमें से 7 लीटर निकाल लिया तो कितना दूध बचा, फिर 28 से 7 निकालेंगे तो 21 बचा, और ये प्रक्रिया फिर कितनी बार की है, 3 बार, निकाला फिर डाला, फिर निकाला फिर डाला पानी, फिर निकाला फिर डाला, तो उसके बाद ये कट जाएगा कैसे, 3 7 और ये 4 7, 3/4, ये ऊपर घात चढ़ा देंगे, 3 3 9 और 4 × 16, ये 16 क्या है, 16 तो टोटल है और ये 9 क्या है, 9 हमारा मिल के, 9 तो हमारा दूध हो गया और 16 टोटल है, अगर 16 से 9 जाएंगे तो वाटर निकल आएगा,
अरे नहीं, ये तीन है ना, यहाँ पे तीन है तो तीन तिया नौ तिया 27 हो गई, 27 27, और ये 4 चौका 16 चौका 64, तो ये 27 है। दूध कितना है हमारा 27, और टोटल है 64, तो 64 से 27 जाएंगे तो वाटर निकल आएगा। 64 से 27 गए तो 37 बचेंगे, तो हमारा मिश्रण कितना बचा दूध और पानी का, 27:37, ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन है थर्ड, थर्ड क्वेश्चन भी सेम है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, एक बर्तन में 80 लीटर दूध भरा है, 8 लीटर दूध को निकाल कर उसे पानी से प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि बदल दिया, उसमें से 8 लीटर दूध निकाला और 8 लीटर पानी डाल दिया, इसी को प्रतिस्थापित बोला गया है। इस प्रक्रिया को दोबारा दोहराया गया, दोबारा दोहराया गया, यानी कि एक बार पहले दोहरा लिया और फिर से दोबारा दोहराया गया है, तो ये काम दो बार किया गया है, दो बार। नए मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करें, इसमें सिर्फ दूध की मात्रा पूछी है, नए मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करेंगे, टोटल वही लिख लेते हैं पहले, मिल्क अपॉन में टोटल, ये वाटर प्लस मिल्क, तो टोटल कितना है हमारे पास, टोटल है हमारे पास 80, टोटल 80 है, 8 लीटर निकाल लिया गया, तो कितना बचा 72 बचा, ये दो बार किया गया ये काम, तो यहाँ स्क्वायर 72, अभी से कट करेंगे, 9 8 10 8, यानी कि 9 बटे 10 स्क्वायर, 9 9 81 और 10 10 21 100, यानी कि मिल्क कितना है 81, मिल्क 81 है और टोटल 100 है, तो दूध की मात्रा पूछिए बस हमें, तो 81 हो जाएगी। अगर दूध और पानी दोनों का अनुपात पूछते तो ऐसे हो जाता, 81:100 से 81 घटाएंगे तो पानी का पानी निकल आएगा, तो कितना नहीं बचेगा 19, यानी 81:19, ये वाटर और दूध और पानी का अनुपात निकल आया। अगर और इसमें पूछा गया है सिर्फ दूध की मात्रा, तो ये दूध की मात्रा है 81 सिर्फ, तो हो गया बस आंसर। ऐसे ही बहुत ही आसान ट्रिक है ये, बहुत आसानी से कर सकते हैं इनको, ऐसे और भी क्वेश्चन है तो हम करते हैं आगे भी और क्वेश्चन। अब है हमारे पास अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, सिर्फ थोड़ा सा अलग, बस थोड़ा सा समझना है इसे, फिर आसानी से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में और क्वेश्चनों में जो चीज़ हम निकालते थे, इस क्वेश्चन में वही चीज़ दे रखी है, और निकालना हमें वो है जो उस क्वेश्चन में हमें दे रखा था पहले। तो कैसे देखते हैं पहले, जैसे फोर्थ क्वेश्चन ये है, एक बर्तन दूध से भरा है, 15 लीटर दूध निकाला जाता है और उसे पानी से बदल दिया जाता है, यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। एक बार और का मतलब है कि, यानी कि एक बार पहले दोहरा ली है, उसके बाद एक बार और दोहराई है, तो दो बार हो गई, जिससे दूध और पानी का अनुपात 16:9 हो जाता है, जिसमें जो और क्वेश्चन पहले वाले जो क्वेश्चन थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनमें क्या था, उनमें हमें दूध और पानी का अनुपात निकालना था, लेकिन इसमें दे रखा है। इसमें पूछा क्या है, तो बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा का पता लगाएं, और उसमें हमें प्रारंभिक मात्रा दे रखी थी, तो जो चीज़ इसमें पूछी है वो चीज़ उसमें दे रखी थी, और जो चीज़ उसमें पूछी थी वो इसमें दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं, पहले हम वही चीज़ लिखेंगे, मिल्क अपॉन में टोटल, वाटर प्लस मिल्क, इसमें हमें अनुपात दे रखा है, अनुपात लिखेंगे पहले हम यहाँ, 16, ये क्या है, ये हमारा दूध है, दूध हमारा 16 ही है, दूध की जगह 16, ये टोटल, टोटल क्या है, ये दूध और पानी का मिश्रण है, यानी कि 16 और 9 टोटल होंगे तब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 16 और 9 25, 25, और ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई है, दो बार। अगर ये दो बार दोहराई गई है तो इसमें हम 1/2 करेंगे, 1/2 करेंगे, अगर तीन बार दोहराई जाती तो 1/3 करते। उसमें क्या था, उसमें रेशियो हमें पूछा था तो हम स्क्वायर और क्यूब कर रहे थे, लेकिन इसमें हमें रेशियो दे रखा है तो हम 1/2 1/3 ये करेंगे।
तो जब ये 1/2 हटाएंगे इससे तो ये किसका वर्ग है? 4 का, और ये 5 का, तो 4/5। यानी कि टोटल कितना है हमारे पास? 4, और मिलके हमारे पास टोटल कितना है? 5, और मिलके हमारे पास 4। यानी कि निकाला हमने कितना था इसमें से, कितना निकाला था? 4 तो बचा है ना इसमें, टोटल 5 है इसमें से निकाला, और इसमें मिल्क है कितना? टोटल 5 है, तो हमने दूध 4 है, तो निकाला कितना है हमने इसमें से? 1 निकाला था, 1, यानी 1 निकाला है, 5 से 4 गए तो 1 ही बचेगा, 1 निकाला। 1 किसके बराबर है? यहाँ पे 15 लीटर दूध निकाला, यानी कि 1/15 के बराबर है, 1/15 के बराबर है। तो इसमें क्या पूछा है? बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा निकालनी है। प्रारंभ में तो दूध ही दूध था ना हमारे पास, वाटर तो हमने जब दूध निकाला तब मिलाया, तब मिश्रण बना दूध और पानी का, प्रारंभ में तो दूध ही दूध था, तो प्रारंभ में हमारे पास दूध 5 था, ये तो बाद में निकालने के बाद बचा है ना, जब हमने पानी मिलाया तो प्रारंभ में दूध ही दूध था, तो ये 1/15 है, तो 5 के बराबर, 15 × 5, 15 × 5 = 75, तो बस प्रारंभ में दूध की मात्रा 75 थी। आ गया आंसर। बस इसमें थोड़ा सा यही देखने वाली चीज़ है, यहाँ पे बस यहाँ पे 1/1, ये 1 हमारा निकाला गया हिस्सा है, निकाला गया, और यहाँ पे निकाला गया हिस्सा कितना है? 15, तो बस 1/15 और 5 = 75 हो जाएगा। हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सेम 5th क्वेश्चन है। ये कैसे करेंगे? एक बर्तन दूध से भरा है, 8 लीटर दूध निकाला जाता है और उसे पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है। 3 बार और, यानी कि 1 बार पहले हम ये दोहरा चुके हैं, उसके बाद 3 बार और दोहराई गई है, कितनी बार हो गई? फिर 4 बार, जिससे दूध और पानी का अनुपात 16:65 हो जाता है। तो बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा का पता लगाएं। कैसे लगाएंगे? पहले वही चीज़ लिख लेते हैं हम, मिल्क अपॉन में टोटल, वाटर प्लस मिल्क बराबर, मिल्क कितना है हमारे पास? 16, और टोटल कितना है? 16 और 65 कितने हुए? 81। 4 बार दोहराई गई है तो 1/4 करेंगे, ये 16 किसका 4 है? 2 का, 2 × 4 × 8 × 16, तो 2, ये किसका है? 3 का, 2/3 आ गए, 2/3। अब इसमें से कितना निकाला गया है? इसमें से 1 निकाला गया है, 1 निकाला गया है, और यहाँ कितना दे रखा है? 8 लीटर दूध निकाला, तो 1 = 8 के, 1 8 के बराबर है। पूछा क्या है? वही दो बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा का पता लगाएं। प्रारंभ में हमारे पास कितना था दूध? 3, 1/8, तो 3 = 8 × 3, यानी कि प्रारंभ में हमारे पास था 24 लीटर दूध, 24 लीटर, यही है हमारा आंसर। बस यही क्वेश्चन लैंग्वेज में काफ़ी टफ दिखते हैं, लेकिन ऐसे इन्हें आसान आसान ट्रिकों से किया जा सकता है। ऐसे ही अगर आप आसान आसान ट्रिक पाना चाहते हैं तो हमारी वीडियोज को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ।